क्या हाल है दोस्तों। ओके, अभी मैं हूँ दाऊद भाई के जो रूम में, और आज जो है इस व्लॉग का जो मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट अकोमोडेशन कैसी होती है यहाँ पे यूके में। ये जो दाऊद भाई है ये प्राइवेट अकोमोडेशन है, यहाँ पे रह रहे हैं। सब कुछ मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे रूम्स कितने हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं, और यहाँ कितना इसका पे होती है, कितने जो आप इसकी जो है वो रेंट देते हो, बिल्स इंक्लूडेड वगैरह, सब कुछ जो है वो इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो बाहर चलते हैं और बाहर से दिखाता हूँ कि ये जो अपार्टमेंट टाइप जो कमरा है ये कैसा है और कितनी पे है इसका सब कुछ। ओके, अभी हम लोग हैं दाऊद भाई के अकोमोडेशन के बाहर। ये दाऊद भाई का रूम है, 18 नंबर। किसी ने मिलने आना तो वो आके मिल सकता है। आइए अंदर दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। ओके, जैसे आप अंदर आते हैं साइड पे दाऊद भाई को जरा मैं जगह दे दूं। आज मेरे नए कैमरामैन जो है वो दाऊद भाई है। सबसे पहले जो है वो लेफ्ट, जिस तरह आप घुसते हैं लेफ्ट साइड पे जो है वो टॉयलेट है, वॉशरूम है, नहाना जाना वो मैं बाद में दिखाता हूँ। लेकिन जिस तरह आप अंदर आते हैं साइड पे, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, वो पावर वगैरह सारा कुछ, ठीक है। आप थोड़ा सा और अंदर आएंगे यहाँ पे जो है वो आपको रेडिएटर मिल जाएगा हीटिंग के लिए सारा। ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है। ओके, और ये कबर्ड है, ये एक छोटा सा जो है वो किचन है यहाँ पे। ये किचन है, ये कबर्ड्स हैं नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपको चूल्हा मिल जाएगा जहाँ पे आप खाना बना सकते हैं। छोटी सी आपको जो है वो फ्रिज मिल जाएगी, इसमें एक एक बंदे के लिए परफेक्ट है ये, ठीक है। और ये जो है दाऊद भाई ने अपने पोस्टर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे सारा कुछ। दाऊद भाई ने अपने जो है वो गिटार्स वगैरह रखी हुई हैं, इसको आप साइड पे कर लेते हैं। और ये है दाऊद भाई का बेड, और ये नॉर्मल बेड है, दाऊद भाई के लिए सही है। अच्छा, दाऊद भाई का कर रहे हैं लेकिन दाऊद भाई का, और दाऊद भाई ने जो अपने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, पर ये जो है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि दाऊद भाई बताएंगे, क्योंकि उनका कमरा है, उन्होंने किस तरह डेकोरेट किया तो दाऊद भाई से पूछते हैं। ये मेरा कमरा है, बेड, पोस्टर्स, किचन, कबर्ड, टीवी, डेस्क। ओके, ठीक है, ये पहले किचन की तरफ आते हैं। हाँ जी, ये किचन के साथ एक सिंक है, सिंक में कबर्ड्स, और ये फ्रिज, ये छोटा सा आइस बॉक्स जो फ्रीजर है, ठीक है, ठीक है। ये टोस्टर और कैटल मैंने खुद ही लिया है, किचन के साथ आती नहीं है, ठीक है। पर ये जो स्टोव है इलेक्ट्रिक स्टोव है, ये रखा गया सेफ्टी के लिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इजीली हैंडल है और गैस स्टोव का थोड़ा सा मुश्किल भी यूज है। ये इधर आ गए हैं, ये है ड्रम्स, ये है ड्रम्स, तो ये है माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, ये कैन बी यूज्ड एज अ रेगुलर माइक्रोवेव या ओवन भी, ठीक है, ठीक है। फिर हम इधर की कबर्ड स्पेस भी है, दो कबर्ड्स, ओके, जिसके अंदर पाकिस्तानियों वाले मसाले रखे हुए हैं जिस तरह आप देख सकते हैं सारे मसाले। ओके ओके, ये साथ किचन के एग्जॉस्ट है, तो ये एग्जॉस्ट के सिस्टम साथ देख सकते हो, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, एग्जॉस्ट। ये कबर्ड जहाँ मेरे साथ कपड़े रखे हैं, ठीक है, कबर्ड खोलूंगा नहीं क्योंकि कपड़े गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। हाँ जी, और ये जो दीवारों पे आपने लगाया है, ये दीवारों पे पोस्टर्स हैं, जो ऐसे एज ए स्टूडेंट चाहते हैं कि आपको कमरा फॉर यू हो, तो मैंने अपने लिए जो फेवरेट पोस्टर है वो लगा दी मार्बल के साथ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये साथ में डेस्क है मेरा, ओके, ये डेस्क पे मैंने सेटअप किया, टीवी या मेरे लैपटॉप्स भी आते हैं ये ऊपर, प्लेस्टेशन, इस तरह ऐसे जो नॉवल्टी चीज़ें मैं उधर ऊपर रखे हैं, ठीक है। नीचे मेरे स्पीकर्स हैं, गिटार एम्प्स, ओके। एक्चुअली बेड पहले इस रुख पे था, मैंने इस रुख के ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। अब बाथरूम की तरफ चलते हैं, चलो 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 चलो। ये है बाथरूम, टॉयलेट, शावर, सिंक, सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ। ये वैनिटी मिरर, कबर्ड, ठीक है, ओके। दाऊद भाई ने बताया वैनिटी मिरर आ गया यहाँ पे, और ये शावर आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो है वो शावर बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, और नॉर्मल हर चीज़ है वो, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ से जो है वो टेम्परेचर होता है सेट, हॉट कोल्ड वगैरह सब कुछ वहाँ से ऑन हो जाता है, और आप यहाँ पे नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। जो ये स्टूडेंट अकोमोडेशन जो है, ओके, इसका नाम है एक कंपनी के अंदर अर्बन लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, ओके। तो ये जो स्टूडेंट बिल्डिंग्स होते हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन होते हैं, वो हर किस्म के स्टूडेंट को देते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, डजंट मैटर कि आपका एज कितना है, अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ लो। तो मैं अभी पे करूँ 600 पर मंथ, मीनिंग 7000 एक साल के लिए। ये भी है कि 600 जो पे कर रहा हूँ पर मंथ,
अपने वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, गैस बिल तो है नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टोव है, पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ऐसे जो बिल्स हैं ना वो सब कुछ इंक्लूडेड है. तो क्योंकि ये प्राइवेट अकोमोडेशन है तो स्टूडेंट्स को की जरूरत है इसलिए. ओके, तो मैंने कहा ये छोटा सा जो है वो मैं व्लॉग बना दूं, मैं बता दूं कि एक स्टूडेंट अकोमोडेशन में क्या होता है, ये सब कुछ होता है. थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए. आई होप कि बहुत कुछ आप लोगों को इस वीडियो से सीखने को मिला होगा. तो आई होप कि व्लॉग पसंद आएगा. व्लॉग पसंद आए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो. मैं सब वीडियो हफ्ते बनाता हूं, लाइक कर दो, फेसबुक पर फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, ट्विटर पर. और मैं तुमसे मिलता हूं अगले हफ्ते. बैरक हमारा बाय. You and I, pick you now, Hajima, Huni no Mudala, we just different, I don't wanna. Yeah, yeah, yeah. Georgia, Jibina, Sachana, Gashida, no, Bala, I'm a glow.